Hello friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. Friends, as you know very well, detecting error is most of the typical question that comes in every test. Detecting error जो है वो एक हर एक टेस्ट में आता है, चाहे आपको कोई भी टेस्ट हो, चाहे आपका NDA हो, SSC हो, CGL हो, बैंकिंग हो, इवन CTET, STET, NVS, KVS, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम बात करें तो डिटेक्टिव एरर उसमें आता ही आता है. We have started here a series of detecting errors. हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी वन बाय वन, जिसमें हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं कुछ उन क्वेश्चंस की जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं. इन पेपर्स में ना केवल हम इन क्वेश्चंस के डिस्कस करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे इनको कंसेप्ट वाइज भी क्लियर करते हैं कि कोई भी एरर है वो आपके किसी भी टेंस से आया हुआ है, वो प्रेपोजिशन से आया है, वो किसी idiom फ्रेज से है, वो किसी वर्ब से है, वो किसी प्रेपोजिशन से है, किसी कंजक्शन का, वॉइस का, नरेशन का, किसी भी बेसिक कंसेप्ट का एरर है, वो हम यहाँ पे कंसेप्ट भी कोशिश करते हैं क्लियर करने की. तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ. सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं. चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई हैव रिटन अ लेटर एट हिम टू हिज एड्रेस टुडे, राइट. सो आई हैव रिटन अ लेटर, हमें इनमें से एरर छाटना है. आपको देखना है इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइव पार्ट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई. अगर एरर नहीं है तो आपको लिखना है नो एरर, ई पे क्लिक करना है. अगर एरर है तो कौन से पार्ट में है वो आपको देखना है. अगर आपको पता है तो आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ पे एरर है. चलिए देखते हैं. आई हैव रिटन कौन सा टेंस है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट. आई सब्जेक्ट, जब प्लूरल में हम काउंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल काउंट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हैव, ठीक है, आई हैव. अगर सिंगुलर होता तो हैज़ यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, जिसकी पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है और मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म. तो पहले पार्ट से इतना, राइट. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है. अ लेटर, ठीक है, एक लेटर. अ यहाँ पे क्या है? अ यहाँ पे एक डिटरमिनर है जो नाउन लेटर से पहले आया हुआ है, जो उसकी पोजीशन को फिक्स करता है, बताता है कि एक सिंगुलर लेटर है, अ लेटर, ठीक है. एट हिम टू हिज एड्रेस टुडे, तो कहाँ पे आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा? ऑब्वियसली आपको अजीब कहाँ लग रहा है? एट हिम टू हिज एड्रेस, यहाँ पे एरर है. तो कहाँ है? सी में एरर है. ये एक्चुअल क्या होता है? एट हिम नहीं होता, टू हिम होता है. टू हिम एट हिज एड्रेस, टू हिम एट हिज एड्रेस. तो क्या आएगा यहाँ पे? एट हिम की जगह टू हिम एट हिज एड्रेस. तो एरर आपका सी में है. दोस्तों हम यहाँ पे कोशिश करते हैं ना केवल एरर बताने की, बट वो एरर क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट ऑल्सो हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि वो एरर पता चले क्यों है, ताकि अगले बार हम कोई गलती ना करें. आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कोशिश कम करते हैं कि वो एरर क्यों है. हम यहाँ पे कोशिश करेंगे वो एरर क्यों है ये जानने की, और बेसिक ग्रामर कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करने की, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हिज फेवरेट मैगजीन, उसकी फेवरेट मैगजीन, फेवरेट FAVOURITE. आपको स्पेलिंग भी साथ साथ कवर करनी है, क्योंकि बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेलिंग एरर भी आते हैं. अभी लास्ट जब आपका सीटेट हुआ था तो उसमें बिगिनिंग की एक स्पेलिंग आई हुई थी, कितना इजी बिगिनिंग है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस्टेक करके आए थे, गलत करके आए थे. तो हिज फेवरेट मैगजीन, मैगजीन होते दोस्तों एक idiom फ्रेज, एक मुहावरा, एक कहावत, ठीक है. उसकी फेवरेट जो लकोक्ति है, उसका मुहावरा जो है वो कौन सा है? इज कट योर शर्ट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, नो एरर, अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ. अब कुछ सारे दोस्तों को लगता होगा कि CLOTH शायद स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे एरर होगा क्लोथ, जबकि क्लोथ की स्पेलिंग CLOTHE होता है. मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, CLOTH क्लोथ जो होता है वो एक अनसीव्ड क्लोथ होता है, माइंड इट, CLOTH क्लोथ जो होता है वो अनसीव्ड, बिना सिला कपड़ा, थान बंडल जो होगा वो होता है, और
सी एल ओ टी एच ई क्लॉथ जो होते हैं वो कपड़े होते हैं स्टिचेस के बाद, सिलने के बाद, ठीक है। तो ये एरर नहीं है, एरर एक्चुअली क्या है हमें देखना है, इज कट योर शर्ट। एक्चुअल क्या होता है, जो ये मैगजीम है, ये मुहावरा जो है, यानी कि आपने सुना होगा जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो क्या होता है एक्चुअल जो रियल मैगजीम है वो क्या होगी, इज कट योर शर्ट की जगह कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, राइट। कई बार कई क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू लेंथ भी आता है, यहाँ पे क्लॉथ की जगह लेंथ भी दे देते हैं, तो वो भी एक एरर होगा। अगर वहाँ पे लेंथ है तो क्लॉथ आएगा, और यहाँ पे अगर शर्ट है तो कोट आएगा। कई क्वेश्चंस में वहाँ पे लेंथ में एरर आता है। सो एरर इज इन बी पार्ट नॉट इन डी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट में कट योर कोट ना कि शर्ट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हिज ब्रदर धर्मेंद्र इज एन एक्सलेंट कुक, इज इट नॉट, नो एरर। कहाँ पे एरर है, हिज ब्रदर उसका भाई धर्मेंद्र, ए में एरर नहीं है, धर्मेंद्र उसके लिए दिया हुआ है तो एरर नहीं है क्योंकि वो सिंगुलर है, तो इज है, ठीक है। एक्सीलेंट ई एक्स सी ई एल एल ई एन टी स्पेलिंग भी ठीक है, और एक्सीलेंट है, ई है, वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो एन भी आना लाजमी है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एन एक्सीलेंट कुक, कुक है, सी एन एक्सीलेंट कुक। सो डी यहाँ तक कोई एरर नहीं, एरर है यहाँ पे इज इट नॉट। एक्चुअली ये एरर किस चीज़ का है, ये एरर आपको क्वेश्चन टैग का, कौन सा एरर फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग का। सो नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग होता क्या है, जब हम एक जनरल क्वेश्चन करते हैं किसी से, एक सेंटेंस हमने पूछा तो सामने वाले की सहमति जानने के लिए, उसके व्यूज जानने के लिए हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इज इट सो। जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, इजंट इट, क्या ये नहीं है। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होता है, और अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। अब देखिए सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, हिज ब्रदर धर्मेंद्र इज एन एक्सीलेंट कुक, एक अच्छा कुक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो टैग नेगेटिव आएगा। अगर सेंटेंस ये होता हिज ब्रदर धर्मेंद्र इज नॉट एन एक्सीलेंट कुक, तो टैग आता पॉजिटिव। जबकि अब ये टैग में मिस्टेक क्या है, टैग तो नेगेटिव है, नेगेटिव ही आना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या है, इट इज नॉट, इट इज़ नॉट की जगह एक्चुअली टैग क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं जब टैग बनाते हैं, और सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर धर्मेंद्र, तो इज ही नॉट, ये आएगा, ठीक है, या इजंट ही, इजंट ही टैग ही आएगा। तो एरर है यहाँ पे ही में, इट इज नॉट नहीं आएगा, राइट। तो एरर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। आई हैव बॉट अ ही डक एंड अ शी डक फॉर माय फ्रेंड, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर। आई हैव बॉट, सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव बॉट, बाय बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन रहती है, बी यू वाई बाय बॉट, बॉट होता है और ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, ये ठीक है, बॉट, अ ही डक एंड शी डक फॉर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के लिए। तो अगर आप लोगों ने नाउन का कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा है और नाउन के कंसेप्ट में आपने जेंडर को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि ही डक और शी डक नहीं होते, ठीक है, ही डक और शी डक नहीं होते। जबकि होते क्या हैं, ही डक के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रैग और शी डक के लिए यूज़ करते हैं डक, गॉट इट। सो हमें ही डक और शी डक की जगह यूज़ करना चाहिए ड्रैग एंड डक, ठीक है, ड्रैग एंड डक तो यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं जेंडर के नाउन में, सो वो हमें याद करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ही डक की जगह ड्रैग और शी डक की जगह डक। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एरर जो है वो किसी भी तरह का आ सकता है। एरर यहाँ पे क्या, प्रोनाउन का, प्रपोजिशन का दे दिया, ठीक है, यहाँ पे एक मैगजीन इडियम फ्रेज का है, यहाँ पे एक क्वेश्चन टैग का है, यहाँ पे एक नाउन का है। तो एरर जो है वो किसी भी तरह के आ सकते हैं,
बशर्ते कि आपको आना चाहिए हर कंसेप्ट, आपको ग्रामर के हर कंसेप्ट को थोरो जाना होता है, डीप नॉलेज करनी होती है, तब वो आते हैं। या फिर इस तरीके से आप जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं पेपर्स में, एग्जाम्स में, आप उनको सोल्व कर जाइए एक बार दो बार, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, क्योंकि मेनली क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, उन्हीं में से बनते हैं जो मेन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लेटर ऑन ही बिकेम अ मॉन्क एंड शी बिकेम अ मॉन्केस, नो एरर। हमें अब एरर फाइंड आउट करना है। लेटर ऑन, बाद में, ही, वह, बिकेम, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, अगर वी ट्रू है, सेकेंड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों पास्ट इनडेफिनिट टेंस के सिंपल में तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। जी, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेटर ऑन ही बिकेम, ये तो ठीक है, अ मॉन्क, मॉन्क क्या होता है, एक सेंट, एक साधु, एंड शी बिकेम अ मॉन्केस। अब एरर कहाँ पे है, इसी में, डी पार्ट में, अ मॉन्केस नहीं होता फ्रेंड्स। अगर वही बात है कि जेंडर की हम बात करें तो मॉन्क का, जैसे किंग का क्वीन होता है ना, ऑक्स का काव होता है, तो ऐसे ही मॉन्क का नन होता है, नन, राइट। तो क्या आएगा, ही बिकेम अ मॉन्क, वह जो मेल था वो मॉन्क बन गया, और जो वह फीमेल थी वो नन बन गई, एन यू एन हम बोलते हैं इसके लिए, ठीक है, फेमिनिन जेंडर। अच्छा, जेंडर की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कितने जेंडर होते हैं, फोर। इंग्लिश में हम फोर काइंड ऑफ जेंडर की यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन मैस्कुलिन जेंडर, जो मेल पार्ट के बारे में बताए। सेकेंड फेमिनिन जेंडर, जो फीमेल के बारे में बताए। थर्ड वन कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या होता है, इंग्लिश में कॉमन जेंडर होता है विच कैन बी यूज फॉर बोथ, जैसे कि टीचर है ना, फ्रेंड, डॉक्टर, ये सारे क्या हैं, ये कोई भी हो सकता है। टीचर कैन बी अ मेल और अ फीमेल, फ्रेंड कैन बी अ मेल और फीमेल, है ना, डॉक्टर कैन बी अ मेल और फीमेल, सो दीज आर द कॉमन। और थर्ड फोर्थ वन इज न्यूटर, न्यूटर जेंडर जो होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स को। जैसे ऐसा नहीं होता कि स्केच पेन है वो मेल है और पेंसिल जो है वो फीमेल है ना, ऐसा नहीं हो सकता। सो ऑल द न्यूट्रल जेंडर्स, ये बोर्ड है, ये पेन है, ये स्केच है ना, ये सारे हम क्या यूज़ करते हैं, हम न्यूट्रल जेंडर में यूज़ करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अ वुमन वॉशर वॉशिज आर क्लॉथ्स डेली, नो एरर। देखिए क्लॉथ्स आ गए यहाँ पे, हमारे कपड़े धोती है, राइट। अ वुमन वॉशर सिंगुलर है तो वॉशिज प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, राइट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, राइट, सो इट इज राइट। सो अ वुमन वॉशर वॉशिज, ठीक है, आर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े भी, ठीक है, डेली। अच्छा एक चीज़ और होती है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, खास बात होती है कि जहाँ भी आपको लगे डेली है, यूजुअली है, ऑफन ऑफनली है, रेगुलरली है, अगर इस तरह के वर्ड्स आए हुए हैं, इस तरह के एडवर्ब्स आए हुए हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम इनको बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एक्चुअली, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, तो ये अगर आए हुए हैं तो आप उसमें बिना सोचे समझे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक ग्रामर की टिप है जो आपको याद करनी है। तो अब एरर तो हमें मिला नहीं अभी तक, एरर कौन सा है, एरर भी निकाल लेते हैं। अ वुमन वॉशर, जी बिल्कुल यही पे एरर है, अ वुमन वॉशर नहीं होता, अ वॉशर वुमन होता है, राइट, अ वॉशर वुमन, ये राइट एक्सप्रेशन है इसका, ये राइट होता है। दूसरी बात, डब्ल्यू ओ, तो एरर हुआ ए में ही, डब्ल्यू ओ एम एन वुमन सिंगुलर औरत, एक औरत, और डब्ल्यू ओ एम ई एन वेमेन, वेमेन वी कॉल इट वेमेन, सो इट इज प्लूरल, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। वैसे अगर और भी ज़्यादा हम करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेंदी हो जाती है, और मैंने देखा है कि जनरल स्टूडेंट्स लेंदी वीडियोज़ को देखना पसंद नहीं करते, टॉपिक चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने डिस्कस किए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इफ यू रियली लाइक इट, यू कैन लाइक आवर वीडियो, यू कैन कमेंट, आपको कौन से वीडियोज ज़्यादा चाहिए आप उन पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।